लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अक्सर बहस का मुद्दा रही है। एक समय था जब लड़कियों की 12 से 13 वर्ष की उम्र में शादी करवा दी जाती थी। उसके बाद कानून बने और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र के पहले दिन में एक संशोधन विधेयक लाया गया जिसके माध्यम से लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। अब इस पर राज्यपाल की मंजूरी आनी है और उसके बाद ये एक कानून बन जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर हिमाचल प्रदेश की लड़कियां युवतियां क्या कहती है, आइए जानते हैं। भूमिका ठाकुर है और मेरे को ये लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि पहले पहले क्या होता था कि जैसे ही मतलब स्कूलिंग खत्म हुई तो फिर शादी, और उसमें क्या होता था कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जैसे कि जब अगर छोटी उसमें उनके बच्चे हो गए तो उसमें भी उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सही है, और जैसे कि हमारे स्टेट में हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरे देश में हो, ताकि सभी जगह की गर्ल्स को जो है वो टाइम मिल जाए कि वो अपने लिए भी स्टैंड हो, और साथ में मतलब कि पूरे जैसे कि बोलते हैं कि गर्ल्स के ऊपर ही पूरा जो घर होता है वो डिपेंड होता है, तो वैसे अगर हमारी गर्ल्स ही ठीक नहीं होंगी तो पूरा घर किस तरीके से ठीक होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, ठीक है, और मुझे लगता है कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर कानून बनते हैं तो लोगों में एक अवेयरनेस फैलती है कि हाँ हमें ये चीज़ तब करनी चाहिए। बिकॉज अभी भी कुछ गाँव में ऐसे लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स सोच के है कि लाइक 12th के बाद मैक्सिमम लड़कियों की शादी करा देते हैं किसी भी रीज़न से, तो फिर लड़कियों के अपने पास कुछ चॉइस नहीं होती, वो शादी कर देती है, ठीक है पेरेंट्स ज़बरदस्ती करा रहे करो तो। बट अगर रूल बनते हैं तो पेरेंट्स में एक दबाव होता है कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं करा सकते, तो फिर लाइक गर्ल्स के लिए भी थोड़ा है कि ठीक है ये अच्छी चीज़ है, और भी अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक फिर। मेरा नाम अदिति है, और जो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है लड़कियों के इसमें कि 18 से 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश में वैसे तो रूरल एरिया ज़्यादा है अर्बन के उससे, तो पहले आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो उनको ना ज़्यादा पढ़ाया जाता था, उनको इतना ही कि घर का काम करो बस ये सब कुछ संभालो, तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अब लड़कियों को एजुकेशन राइट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। रिधिमा है, मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी की है सरकार ने, क्योंकि जहाँ तक हमारी स्टेट की बात है हिमाचल में, तो यहाँ पे शुरू से ये समझा जाता है कि लड़कियों को छोटी एज में जल्दी शादी कर देते हैं कि घर वगैरह ये सब संभालना है, लेकिन 21 साल तक लड़की की थोड़ी फिजिकली भी वो ग्रोथ कर लेती है और एजुकेशन में भी वो काफ़ी आगे हो जाती है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी है। लड़कियाँ पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, और इन चीज़ों की 21 साल अब तो बहुत अच्छी बात है, पहले 18 साल होती थी तो एकदम दे दो, पूछते भी नहीं है, बट 21 साल थोड़ा वो खुद भी समझ जाती है कि उसके राइट्स क्या है रॉन्ग्स क्या है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी है। किरण कश्यप, मैं अभी संजौली कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़कियों को ना फोर्स किया जाता है कि शादी करो शादी करो, पहले भी उनको चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी, और अब जैसे ये 18 से 21 हो गई है तो एटलीस्ट लड़कियाँ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकती है, और आगे वैसे तो ये और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून होगा ना तो सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कानून नहीं है तो लोगों को लगेगा कि ठीक है 21 है, तो वो लड़कियों को फिर फोर्स करेंगे कि अब तो तुम्हें शादी करनी है, अब तो 21 की हो गई हो तुम, इसलिए। हिमाचल सरकार के इस फैसले को लड़कियों ने सराहा है। उनका कहना है कि शादी की उम्र 21 वर्ष करना बिल्कुल सही फैसला है। कुछ लड़कियों ने यहाँ तक भी कहा कि इस उम्र को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और जब तक लड़की खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट फील नहीं करती है तब तक उस लड़की की शादी नहीं करवाई जानी चाहिए। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।